दोस्तों आज हम बात करने वाले टिकटॉक के न्यू ट्रेंड वीडियो को लेकर। जैसा कि अब इस टाइप के वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आज हम इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। सिंपल, वीडियो को डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर अप्लीकेशन को, इसके बाद परछाई का एक PNG फोटो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं बताता हूँ इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। से काइन मास्टर अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट किए थे वो वीडियो को सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को दो पार्ट में शूट किया होता तो आपको भी वीडियो को दो पार्ट में शूट करना होगा। तो सबसे पहले वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे और वीडियो के आगे तक लेकर आना है। यहाँ पे हमें 4 से 5 सेकंड तक का सीन चाहिए तो वीडियो के लिए पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, SP2 प्ले हिट कर देना है। इसके बाद वीडियो के आगे तक लेकर आना है और फिर से हमारा यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है तो वीडियो के लिए पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड के पास जितने भी एक्स्ट्रा होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो अब देख रहे हो वीडियो हमारा यहाँ पर एंड हो रहा है तो वीडियो के लिए पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा ये कर सकते हैं। तो सिंपल इस सेकेंड वाले वीडियो पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट CS लेयर पे क्लिक कर देना है। सिंपल से इस वीडियो पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको लेयर वाले वीडियो पर क्लिक करके रखना है और आपको इसे लास्ट तक लेकर जाना है। वीडियो हमारा कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं जैसे हम टर्न ले रहे हैं यहीं तक रहने देना है। तो वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो रिमूव हो चुका है। सबसे पहले हमें ओरिजिनल वीडियो का वॉल्यूम जो है साइलेंट कर देते हैं। तो अब देख सकते हैं बैकग्राउंड वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। करके देखता हूँ हमारा वीडियो कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे टर्न लेते थे यहाँ पे आपको परछाई दिखने लगता है तो आपको सिंपल लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। मैंने एक ऑलरेडी एक पिक डाउनलोड किया हूँ तो आपको भी गूगल से डाउनलोड कर लेना है। इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ से जूम कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है इसमें तो एक्स्ट्रा पार्ट को क्रॉप कर देते हैं। क्रॉप करने के बाद ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पे आपको मल्टी प्ले पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद फिर से हमें PNG वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है, ऐसे हल्का सा जूम कर इसके जस्ट सामने आपको एडजस्ट कर देना है। लगना चाहिए कि आप वहाँ से उठ कर यहाँ पर आपको बैठ गए हैं। तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कैंची के निशान पे क्लिक करना है, स्ट्रेक्ट ऑडियो कर देना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को आपको ऑफ कर देना है क्योंकि आपको लास्ट में वॉल्यूम जो है आपको स्लो हो जाता है। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है और इसे आपको डिलीट कर देना है क्योंकि वीडियो का हमारा काम हो चुका है। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑडियो को मैं रिमूव करता हूँ। तो वीडियो हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसके बाद डन करना है, शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और वीडियो जो है हमारा यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलून चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।